वार्ड क्रमांक 2 के निर्दलीय प्रत्याशी के घर के बाहर मिली तंत्र मंत्र की सामग्री, मचाड़कंप, देखने उमड़ी भीड़, तो वहीं पुलिस को शिकायत करने की कही बात। अंजन नगर के वार्ड क्रमांक 2 निवासी विनोद उर्फ गबरू पाटीदार, जो कि नगरी निकाय निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 2 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य अजमा रहे हैं, उनके घर के बाहर तंत्र मंत्र की सामग्री मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया, तो वहीं आग की तरह यह खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और इस बात की जानकारी लगते ही तंत्र मंत्र और टोना टोटका की सामग्री देखने के लिए कई लोग पहुंचे। वहीं नगर परिषद निर्वाचन में अपना भाग्य अजमा रहे निर्दलीय उम्मीदवार विनोद उर्फ गबरू पाटीदार का कहना है कि विरोधियों के द्वारा मुझे जनता की ओर से मिल रहे समर्थन से आहत होकर और मुझे चुनाव में हराने और परिवार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह तंत्र मंत्र का प्रयोग होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल उन्होंने अज्ञात लोगों के द्वारा की गई इस हरकत की शिकायत पुलिस को करने की बात कही है। वहीं उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 2 से भाजपा, कांग्रेस प्रत्याशियों के सहित अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं। क्या नाम आपका? विनोद पाटीदार गबरू। कौन से वार्ड से प्रत्याशी हैं? 2 नंबर वार्ड से। ये क्या घटना हुई और क्या अभी यहाँ पे कुछ ऐसी वारदात हुई थी? आज सुबह जब हम सुबह जगे तो यहाँ बाहर देखे तो लिंबू में लोग लगा के और एक कोड़ी मतलब रख के ना कोई टोड़का करके गया है रात में। अच्छा, आपने कब देखा ये? सुबह देखा है। क्या घटना से क्या लग रहा है आपको, किन्ने करा? कोई ने टोटका करा होगा, जो बड़ी पार्टी वाले हैं, जो बाहर के हैं कैंडिडेट, जो हमको यहाँ जिनका ये कोई पोजीशन नहीं, वो कहीं भी करके हमको परेशान करना चाहते हैं। कुल कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड से? टोटल 6 है। मतलब आपकी मजबूत स्थिति देख के उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको तंत्र मंत्र से हराना चाहिए। जी, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर थोड़ा भय है हमारे को। अच्छा, कि आगे और ये कुछ करेगा ऐसी घटना है। अच्छा, क्षेत्र में कैसा पक्ष है आपके, जनता का कैसा मत है आपके प्रति? जनता तो चार ही वार्ड का आदमी हो ना, इस कॉलोनी का मैं एक ही हूँ कैंडिडेट। अच्छा, इस कॉलोनी का, शिक्षक कॉलोनी का।